हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके बाद करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले टॉपिक में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन किया था और उसकी क्या एडवांटेजेस हैं ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें एडवांटेजेस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन हैज वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। वन इज इन इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, मीन्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन बिकॉज द फूड व्हाट वी ईट, द फूड वी ईट लाइक wheat grain, potato, etc. These undergo decomposition during digestion. And convert into glucose. Actually, these consist of carbohydrates, and these decompose to form glucose, then absorbed in our body. अगर ये डीकम्पोज नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं है। जितना हम फैट खाते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तब वो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों डाइजेस्ट होते हैं। इफ दीज विल नॉट डीकम्पोज तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होंगे और हमारे लिए वो यूजलेस हो जाएंगे। Extraction of matter, देखिए metals like sodium, potassium, etc. These are obtained by इलेक्ट्रोलिटिकल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिकल डीकंपोजिशन से ऑब्टेन होते हैं, मीन्स हियर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो यूज्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड in separating metal and non-metal. Metals and non-metals by electrolytical decomposition. देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने सोडियम और पोटेशियम की एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से, सोडियम की एक्सट्रैक्शन हमने की थी तो हम वहाँ से ऑब्टेन, मतलब वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होती है।
तो सोडियम मेटल, इसी तरह पोटेशियम मेटल, ये हाई रिएक्टिव मेटल जो है इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ऑब्टेन होते हैं. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे आर आइसोलेटेड, सेपरेट होते हैं. लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सब इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन की वजह से हमें ऑब्टेन होते हैं. नाउ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, देखिए कि आप जब कभी एक हाई रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, नेम से क्लियर है, डिस्प्लेस के अपने प्लेस से हटा देना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. आप डेफिनेशन में लिखिए दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ हाई रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt to form its own salt. अपना salt बनाने के लिए हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट में से और खुद का सॉल्ट बना लेता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट के अंदर आप आयरन की नेल डालिए, व्हाट हैपन, आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद का सॉल्ट बना लेगा, फेरस सल्फेट एंड कॉपर इज सेपरेटेड. आप देखिए ऑलवेज मेटल हाई रिएक्टिव होना चाहिए और सॉल्ट लेस रिएक्टिव मेटल का होना चाहिए. मेटल मस्ट बी हाई रिएक्टिव और जो सॉल्ट ले रहे हैं हम जिस मेटल का, वो मेटल लेस रिएक्टिव होना चाहिए. जैसे यहाँ पे हम आयरन ले रहे हैं, हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, और सॉल्ट कॉपर का है जो लेस रिएक्टिव है. तो हम जब इनको मिक्स करेंगे, आयरन जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस करके सेल्फ अपना सॉल्ट बना लेगा. अगर कहीं हम यूं करें कि FeSO4 में कॉपर को मिक्स कर दें तो कोई रिएक्शन नहीं हो गई, बिकॉज यहाँ सॉल्ट हाई रिएक्टिव का हो गया है और मेटल लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव कभी भी हाई रिएक्टिव को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो ऑलवेज सॉल्ट लेस रिएक्टिव का और मेटल हाई रिएक्टिव, जब भी इनको लेंगे तो हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करेगा और हाई रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट बनेगा और लेस रिएक्टिव मेटल सेपरेट हो जाएगा. इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैपन्स इफ आयरन नेल इज ड्रॉप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और प्लेस्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. देन आपको थ्योरी में भी लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन नेल विल डिजोल्व इन टू कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर विल बी सेपरेटेड. इसी तरह से अनदर क्वेश्चन आ सकता है, अ पर्सन स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन कंटेनर, आफ्टर फ्यू डेज द लीकेज टेक प्लेस और होल्स टेक प्लेस इन द आयरन कंटेनर, वाई? तो वही आप फिर रीजन देंगे, वेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, सो आयरन विल डिजोल्व इन टू कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट, एंड दैट्स वाई द आयरन ऑफ कंटेनर दैट डिजोल्व इन टू कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट, एंड सिंस द होल्स टेक प्लेस एंड लीकेज टेक प्लेस. सिमिलरली वी कैन सम अदर क्वेश्चन, what happen when zinc strip is placed in copper sulfate solution, same you will write zinc is more reactive than copper, so zinc will displace copper from copper sulfate to form zinc sulfate form ho jayega,
एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक स्ट्रिप एंड सेपरेटेड. सिमिलरली व्हाट हैपन्स, क्या होगा इफ सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट हैपन्स इफ कॉपर इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. Then we know that copper is more reactive than silver, so copper displaces silver to form copper nitrate and silver is separated. और silver क्या हो जाएगा, separate हो जाएगा. इस तरह से copper silver को displace कर सकता है because copper is more reactive than silver. तो copper silver को तो displace कर सकता है but copper zinc को displace नहीं कर सकता, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. मींस हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकता है बट लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता. अनदर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ, आप इसमें एक और आपके सिलेबस में है इक्वेशन, लेड इज ट्रीटेड विद, लेड इज ट्रीटेड विद कॉपर क्लोराइड CuCl2, देन लेड कंबाइन विद इट एंड लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो लेड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड एंड फॉर्म लेड क्लोराइड, और लेड क्लोराइड फॉर्म करेगा एंड कॉपर इज सेपरेटेड. ये इक्वेशन भी आपके सिलेबस में है. ठीक इसी तरह से जिस तरह से मेटल हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, ठीक वैसे ही हाई रिएक्टिव नॉन मेटल जो है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है. जस्ट लाइक इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, व्हेन मिक्स्ड विद क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, सो क्लोरीन विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड एंड फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन गैस इज सेपरेटेड, और आयोडीन गैस जो है क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी. इस तरह से हाई रिएक्टिव क्लोरीन इज नॉन मेटल, आयोडीन इज नॉन मेटल, हाई क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, सो क्लोरीन हाई रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी कि इसने लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट में से क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके एंड खुद का सॉल्ट बना लिया. मीन्स कहने का ये कि जब भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट आएगा, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट में से डिस्प्लेस करेगा और हाई रिएक्टिव जो है खुद का सॉल्ट बना लेगा. दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट में यहां तो एक मेटल दूसरे मेटल को या एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो सॉल्ट्स आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें टू सॉल्ट्स आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं. द रिएक्शन In which the exchange of ions take place, exchange of ions take place between two salts, between two salts, दो salts के बीच में ions की exchange होती है, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन टू सॉल्ट्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें टू आयंस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टू सॉल्ट्स में से आयन अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम सल्फेट. जब ये टू सॉल्ट्स हैं, दोनों सॉल्ट को हम लेते हैं और बेरियम क्लोराइड एंड
सोडियम सल्फेट। अब इसमें क्या है, दोनों आपस में मिक्स करते ही एक्सचेंज ऑफ आयन विल टेक प्लेस, सोडियम आयन बेरियम आयन को और बेरियम आयन सोडियम आयन को डिस्प्लेस करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे, यहां पे बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे व्हाइट कलर के और दे विल सेटल डाउन। तो इस तरह से आयंस का आपस में एक्सचेंज होना इस बिटवीन टू सॉल्ट्स, ये देखो दो सॉल्ट हैं, ये इसको एक्सचेंज कर रहा है, ये इसको कर रहा है, और दोनों ने सॉल्ट अलग तरह के बना लिए। तो ये इस तरह से दो सॉल्ट्स के बीच में आयंस का आपस में एक्सचेंज हो जाना, वो उधर चला गया वो उधर चला गया, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसने बेरियम को डिस्प्लेस किया, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, यानी दोनों ने डबल डिस्प्लेस किया, उसने उसको और उसने उसको, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों डिफरेंस ये है कि मैं एक फिजिकल एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एक बच्चा एक बेंच पे बैठा है और एक स्ट्रॉन्ग बच्चा आता है और वो उस कमजोर बच्चे को बेंच से उठा के खुद बैठ जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि दो बच्चे वो उसकी अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं, वो उसकी सीट पे चला जाए और वो उसकी सीट पे चला जाए, एक्सचेंज ऑफ सीट हो गया, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, उसने उसको डिस्प्लेस किया और उसने उसको डिस्प्लेस किया। इस नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जनरली इट इज क्लासिफाइड इंटू टू मेन क्लासेस। वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की होती है, दैट्स वाई इसको हमने उसी क्लासिफिकेशन में लिया है। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, नेचर ऑफ सब्सटेंस या सोल्ट कहिए आप, सोल्ट सब्सटेंस वर्ड ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच नेचर ऑफ सब्सटेंस इज न्यूट्रलाइज्ड मतलब जिसमें सब्सटेंस की नेचर न्यूट्रलाइज होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, यानी दैट इज वी कैन से a reaction in which acid is treated with base, जिसमें acid base के साथ react करते हैं to form salt and water, to form salt and water, salt and water form करने के लिए is known as नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने पहले पढ़ रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी नेचर चेंज हो जाती है, एसिड एसिडिक नेचर नहीं रहती, बेस की बेसिक नेचर नहीं रहती, दोनों कंबाइन करके सॉल्ट बना लेते हैं, यानी कि ना एसिडिक नेचर रही ना बेसिक नेचर रही, तो वो सॉल्ट बन गया एंड वाटर बनता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हाउ इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए आप HCl कंबाइन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड कंबाइन विद बेस, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज एसिड इट इज बेस, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, यानी इसकी नेचर बेसिक है और इसकी नेचर एसिडिक है। व्हेन दीज कंबाइन, ये क्या करेंगे, सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करेगा और हाइड्रोजन आयन
सोडियम आयन को डिस्प्लेस करेगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ना, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट की टाइप भी कहते हैं। एंड इट फॉर्म्स सॉल्ट, यानी सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देगा, तो Na आयन कंबाइन विद क्लोराइड आयन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, H आयन कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म वाटर। तो इस तरह से सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और इसमें दोनों ये देखिए आयन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड सेकंड इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट्स व्हाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या होते हैं, इट इज द टाइप द रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सब्सटेंस दैट इज इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाउ इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन है ये, कंबाइन विद सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी एक्वा सोल्यूशन है, और ये आपस में सोडियम आयन बेरियम आयन को डिस्प्लेस करेगा, बेरियम आयन सोडियम आयन को डिस्प्लेस करेगा, एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन एंड बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनेंगे, PPTS इनसोल्यूबल बनेगा। तो दैट्स व्हाई इनसोल्यूबल सब्सटेंस यानी कि प्रेसिपिटेट बनने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसमें देखिए आयन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, हैव ए नाइस डे, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और अपना काम हर रोज करें। थैंक्स।